जय हिंद दोस्तों, अभी हम सिटी हॉल जा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए। चेंज क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया था मेरा। एक्चुअली हमारे सारे जितने भी बच्चे हैं हमारे कोर्स के, सबका गलत कर दिया था। रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ता है? आई थिंक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जितनी भी सिटीज़ हैं, आप अगर बाहर से आते हो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी लोकल म्यूनिसिपैलिटी में। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए कि बाहर से कौन लोग आए हैं। जब कभी इमरजेंसी होगी, फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल जाना है या कोई भी तरह की इमरजेंसी होगी, तो वो क्विक रिस्पॉन्स कर पाए। काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप 3 महीने के से कम दिन के लिए अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप 3 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसके कुछ चार्जेस लगते हैं जो प्रोसेसिंग चार्ज हैं, लेकिन हमारा नहीं लगा था क्योंकि हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हैं एक्चुअली, तो नहीं लगा था। तो गलत कहाँ पे हुआ था? तो उन्होंने 3 महीने का बस रजिस्ट्रेशन हमारा किया। हमें यहाँ पे 1 सेमेस्टर रहना है। और फिर से उन्होंने ईमेल किया, हमें बुलाया कि आप आइए, कुछ चेंजेस करने हैं डॉक्यूमेंट में, पुराना वाला डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो अभी जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या सब प्रोसेस होता है, तो आपको बताते हैं। चलिए अंदर। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन चेंज हो गया है। पहले हमारा रजिस्ट्रेशन मई तक था, अब उसको बढ़ा के अक्टूबर तक कर दिया है। और कोई डॉक्यूमेंट अभी तो नहीं लिया क्योंकि पहले ही सबमिट कर दिए थे सारे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट फ़ोटो और रेसिडेंट परमिट और एडमिशन लेटर और फोटो, हाँ ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी थी तो हमने दे दिया, उसको प्रोवाइड कर दिया। अभी फ़िलहाल एक फ़ोटो देने के बाद काम हो गया। और कुछ खास तो हुआ नहीं, बस 10-15 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा और उन्होंने पूछा कि कब तक यहाँ पे रहना है, तो बता दिया उनको। और कहाँ से आया है, पहले फिनलैंड से आया तो वहाँ के एड्रेस उन्होंने मांगी, और तो बस छोटी सी प्रोसेस थी। और हाँ, ये दोस्तों रेसिडेंट परमिट और वीज़ा ये अलग चीज़ है और ये रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। जो वीज़ा होता है वो आप कंट्रीज़ में, किसी दूसरे कंट्री में इंटर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, और रेसिडेंट परमिट अगर आप ज़्यादा दिन तक वहाँ रहना चाहते हो उस कंट्री में, तो आपको रेसिडेंस परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये रजिस्ट्रेशन लोकल अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे होता है कि आप जहाँ जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पे आपको एज अ पॉपुलेशन कह सकते हो, पॉपुलेशन इंडेक्स में उनको डेटा प्रोवाइड कराना होता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो बस ऐसा ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।